आज मैं बंधक के बारे में पढ़ाऊंगा। बंधक क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फास्टनर। बंधक का डेफिनेशन ये होता है कि मशीनों के विभिन्न पार्ट्स को मतलब डिफरेंट पार्ट्स को एक दूसरे के साथ जोड़ना। ये हर इंडस्ट्री, हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है, मशीन जो बनते हैं तो पार्ट्स को एक दूसरे के साथ असेंबल करके जोड़ा जाता है, जिसको हम बंधक कहते हैं। यानी एक वर्ड में कहते हैं मशीनों के विभिन्न पार्ट को एक दूसरे के साथ जोड़ना बंधक कहते हैं। जिन साधन का प्रयोग एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए करते हैं वो हमारा बंधक कहलाता है, ठीक है। और जिस विधि से जोड़ा जाता है उसको फास्टनिंग कहते हैं। अब हम टाइप्स ऑफ फास्टनर के बारे में आगे पढ़ाएंगे। टाइप्स ऑफ फास्टनर हमारे तीन तरह से होते हैं, टेम्प्रोरी, सेमी टेम्प्रोरी और परमानेंट। हिंदी में बोलते हैं अस्थाई बंधक, अस्थाई और अस्थाई बंधक, ठीक है। अब टेम्प्रोरी फास्टनर क्या होता है, ये फास्टनर होता है कि मशीनों के अलग अलग पार्ट्स को, अलग अलग भाग को अस्थाई रूप से जोड़ना, मशीनों के पार्ट्स को अस्थाई रूप से जोड़ना। जोड़ने के लिए हम अस्थाई बंधक का प्रयोग करते हैं। इसमें मशीनों के अलग अलग पार्ट्स को एक दूसरे के साथ अस्थाई रूप से जोड़ा जाता है, जिसमें हम पार्ट्स को जब चाहे तब हम अलग कर सकते हैं। यानी मशीनों को हम एक दूसरे से अलग कर सकते हैं, मशीन के पार्ट्स को हम जब चाहे आवश्यकता अनुसार अलग कर। इस विधि में कोई भी पार्ट्स नुकसान नहीं होता है, पार्ट्स में नुकसान नहीं होता है या नट या बोल्ट कुछ भी डैमेज नहीं होता है, तो ये कुछ भी नुकसान नहीं करता है, ठीक है। एग्जाम्पल को हमारी होती है नट, बोल्ट, स्टड, की, ईटीसी। और अब हम आगे बढ़ते हैं सेमी परमानेंट, जिसको सेमी टेम्पोररी बोलते हैं या सेमी परमानेंट फास्टनर भी बोलते हैं। सेमी परमानेंट इसका एग्जांपल होता है हमारा सोल्जर, रिवेट, बस इतना ही, ठीक। अब सेमी टेम्पोररी फास्टनर क्या होता है, इस विधि में पार्ट्स को हम अर्धस्थाई, मतलब हम पूरी तरह से जोड़ते नहीं है, मतलब जोड़ते हैं लेकिन अर्धस्थाई, मतलब या तो ना तो ये फास्टनर सेमी फास्टनर में होता है, ना तो ये टेम्पोररी में होता है, ना तो ये परमानेंट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इस विधि में फास्टनर को खोलते समय मशीन के जो पार्ट्स होते हैं वो खराब नहीं होते हैं, बट हमारे जो फास्टनर होते हैं यानी जो नट बोल्ट होते हैं चाहे फास्टनर होते हैं वही खराब होते हैं। यानी हमारा एग्जाम्पल को उसमें हम जो सोल्जर का प्रयोग कर रहे हैं या रिवेट का प्रयोग, वही हमारी खराब होती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ये तो फास्टनर होता है, हमारे जो बोल्ट होते हैं, पार्ट्स होते हैं, वो एक दूसरे से टाइट हो जाते हैं, एक दूसरे से लग जाते हैं, लेकिन जब हम उसको अलग करना चाहते हैं तो हमारे जो फास्टनर होते हैं यानी सोल्जर और रिवेट होते हैं वो उसके खराब हो जाते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं परमानेंट फास्टनर क्या होता है। परमानेंट फास्टनर में क्या होता है, इस विधि में पार्ट्स को हम परमानेंट रूप से जोड़ देते हैं, अस्थायी रूप से जोड़ देते हैं, ठीक है। हम इस विधि में फास्टनर को पूरी तरह से जोड़ देते हैं, ठीक है। एग्जांपल को वेल्डिंग क्या होता है, वेल्डिंग में हम दो पार्ट्स को परमानेंट रूप से किस तरह से जोड़ देते हैं। जब हम इसको अलग करना होता है, जब हम इसको निकालना होता है, तब हमें वेल्डिंग को काट के निकालना होता है, जिससे हमारी वेल्डिंग भी खराब होती है और हमारी जॉब भी खराब होती है। यानी एग्जाम्पल फॉर वेल्डिंग होती है और ब्रेजिंग होती है, ठीक है। अब एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं कि फास्टनर क्या होता है। फास्टनर मशीनों के विभिन्न पार्ट्स को एक दूसरे के साथ जोड़ना फास्टनर कहलाता है। और जिस साधन का प्रयोग करते हैं वही हमारे फास्टनर कहलाता है। और जिस विधि द्वारा जिसको हम जोड़ने का काम करते हैं वो हमारे फास्टनिंग
फास्टनिंग कहलाते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ पार्टनर फास्टनर हमारे तीन तरह से होते हैं, टेम्पोरी फास्टनर, सेमी परमानेंट, सेमी टेम्पोरी या सेमी परमानेंट और परमानेंट फास्टनर। टेम्पोरी फास्टनर क्या होता है? टेम्पोरी फास्टनर एग्जाम्पल फॉर नट बोल्ट स्टड वॉशर की। ठीक, अब टेम्पोरी फास्टनर होता है, इसमें मशीनों को आवश्यकता अनुसार हम जब चाहे उसको हम अलग कर सकते हैं, खोल सकते हैं या बांध सकते हैं, लेकिन जब हम खोलेंगे या बांधेंगे तो कोई भी पार्ट डैमेज नहीं होती है। हम नट बोल्ट के माध्यम से इसको खोलने का काम करते हैं, स्पैनर के माध्यम से हम इसको खोलते हैं। सेमी टेम्पोरी फास्टनर या सेमी परमानेंट फास्टनर या पूरी तरह से परमानेंट नहीं होता है। इसमें क्या होता है, इस जोड़ में यह आधा मतलब अर्थ फास्टनर होता है, अर्थ ज्वाइंट होते हैं, जिसमें जब हम इसको अलग करना चाहते हैं तो हमारे जो फास्टनर होते हैं वो खराब होते हैं। ठीक है, जब हम इसको अलग करना चाहते हैं, जब फास्टनर को हम अलग करते हैं तो हमारे जो पार्ट्स खराब नहीं होते, बस हमारा फास्टनर होते हैं वो खराब हो जाते हैं। यानी इस विधि में पार्ट्स को हम अस्थायी रूप से जोड़ते हैं। अब परमानेंट फास्टनर, परमानेंट फास्टनर में क्या होता है कि इस विधि द्वारा हम पार्ट्स को अस्थायी रूप से जोड़ देते हैं। इस पार्ट्स को खोलते समय जब हम खोल रहे हैं, अलग कर रहे हैं, तब हमारी जो पार्ट्स होती है वो भी डैमेज होती है और हमारी जो फास्टनर होती है वो भी खराब होते हैं, यानी दोनों पार्ट्स हमेशा खराब हो जाते हैं। एग्जाम्पल को हम कोई भी दो धातु को जब वेल्डिंग करते हैं तो हमें वेल्डिंग ज्वाइंट को हटाने के लिए भी मेटल को काटना पड़ता है, जिससे हमारी वेल्डिंग भी खराब होती है और हमारी चौक भी डैमेज होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल को हमने समझ गया कि हमारी टेम्पोरी फास्टनर में नट बोल्ट स्टड वॉशर आता है, हमारी सेमी टेम्पोरी फास्टनर में हमारी सोल्जरिंग और रिवेट आते हैं, जो ये कमजोर होते हैं। हमारे सोल्जरिंग का प्रयोग हम इलेक्ट्रिक पर्पस में तारों को एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए हम करते हैं। वेल्डिंग हमारा जो मेटल होता है उसको जोड़ने के लिए हम करते हैं। अब इसका जो प्रोसेस है हम नेक्स्ट क्लासेस में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तीन चीज ध्यान देना है। फास्टनर क्या होता है, फास्टनर हमारी क्या होती है कि मशीन के जो पार्ट्स होते हैं उसको एक दूसरे के साथ जोड़ना, वो हमारा फास्टनर कहलाता है। और जिन साधन का प्रयोग करते हैं उस साधन में क्या होते हैं, हमारे नट बोल्ट होते हैं, वो हमारा फास्टनर होता है। ठीक है, और ये तीन तरह से टेम्पोरी फास्टनर होता है, नट बोल्ट के माध्यम से मशीनों के पार्ट को हम जब चाहे अलग कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, अलग कर सकते हैं। सेमी परमानेंट में क्या होता है कि यह अर्थ अस्थायी होता है, जब हम इसको अलग करना चाहते हैं तब हमारे जो फास्टनर होते हैं वो खराब हो जाते हैं, यानी सोल्जर या रिवेट खराब हो जाते हैं। परमानेंट में पार्ट्स को अस्थायी रूप से परमानेंट जोड़ दिया जाता है, लेकिन जब हम पार्ट्स को अलग करना चाहते हैं तो हमारे जो पार्ट्स होते हैं और फास्टनर होते हैं दोनों खराब हो जाते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे, आगे हम फास्टनर के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारी ये जो फास्टनर होता है टेम्पोरी फास्टनर। ठीक है, अब टेम्पोरी फास्टनर हमारा आता है की, पहला आता है की, एन की वे, ये हमारा हाइट माइल स्टील और एन एसएस हाई स्पीड स्टील को से हम बनाते हैं। अब ये क्या होता है, हमारे धातु का एक पार्ट होता है, धातु का एक टुकड़ा होता है जिसको कोई भी शाफ्ट होते हैं उसको रोकने के लिए या उस चीज को पावर को ट्रांसमिट करने के लिए हम की का प्रयोग करते हैं। अब सपोज दैट, अब एग्जांपल समझा रहे हैं, ये हमारी शाफ्ट है, हमारा ये गियर है, इस पोर्शन में
हम की का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमारा शाफ्ट है, ये हमारा गियर्स है, ये जो पोर्शन होता है हमारा की कहलाता है। ठीक है, हम इस पोर्शन को कीज बोलते हैं। ठीक, यानी साफ कीज का प्रयोग क्या होता है, कीज हमारा क्या होता है, चाबी जिसको बोलते हैं जी, हम ये होता है कि हमारा को गियर के रोटरी मोशन को यानी साफ के रोटरी मोशन को अपनी एक्सिस पे रोकने के लिए हम कीज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब उसी के स्थान पे कीज को रखने के लिए हम साफ पे एक स्लॉट काटते हैं, स्लॉट काटते हैं जिसको स्लॉटिंग में जिसमें हमारी की फिट होती है, यानी इस पोर्शन में कीज हमारी इस तरह से अलग होती है जो यहाँ फिट होती है, ये जो स्लॉट होती है हमारी की वे होती है, की एंड की वे, ये हमारी हाई स्पीड स्टील का बनाया जाता है। अब हम बोल्ट के बारे में बताते हैं। बोल्ट क्या होता है, एक बेलनाकार रोड है, एक बेलनाकार रोड है जिसके सिरे पे हेड होती है, जिसकी ऊपरी सिरा हेड होती है, बीच का पोर्शन हमारा आगे का पोर्शन हमारा सेंक कहलाता है, बोल्ट क्या होता है, एक बेलनाकार होती है जिसका एक सिरा हेड कहलाता है, विभिन्न टाइप से बने होते हैं, और दूसरा सिरा सेंक कहलाता है जिसके अंतिम छोर में चूड़ियां कटी होती है। ये सेंक हमारी बोल्ट होती है, बोल्ट हमारी हाई स्पीड स्टील और माइल्ड स्टील का बनाए जाते हैं, हाई स्पीड स्टील और माइल्ड स्टील से बनाए जाते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं, बोल्ट क्या होता है, बोल्ट एक बेलनाकार रॉड होती है जिसका एक सिरा हेड कहलाता है और दूसरी सिरा जिसमें चूड़ियां बनी होती है। ठीक है, अब इसका प्रयोग कहां करते हैं, इसका प्रयोग कोई भी दो पार्ट्स होते हैं नट जोड़ने के लिए, नट के बोल्ट के माध्यम से उसको हम कसने का काम करते हैं, यानी इसका प्रयोग दो पार्ट्स को बोल्ट या स्टड के चूड़ीदार आपको कसने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। अब हम आगे बताते हैं अब स्टड, अब बोल्ट हो गया, इसके बाद हम इधर चर्चा करते हैं नट। नट हमारी क्या होती है, नट एक धातु का टुकड़ा होता है जिसके अंदर चूड़ियां बनी होती है, सपोज दैट ये हमारा धातु है बेलनाकार, इसके अंदर इंटरनल चूड़ियां बनी होती है, जो हमारी जो बोल्ट होती है, जो बोल्ट के ऊपर ये नट फिट होती है, यानी जब इसको हम असेंबल करते हैं, ये हमारी बोल्ट है, ये हमारी बोल्ट है, हमारे जो नट होती है इसमें फिट की जाती है। ठीक है, ये नट बोल्ट जब कंप्लीट होता है, जब हमारे दो पार्ट्स आपस में जब जुड़ जाते हैं, उस कंडीशन पे हम नट बोल्ट को फंसा के और नट के माध्यम से इसको हम टाइट करते हैं, इसको कस देते हैं, जिससे दो पार्ट आसानी से आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। ठीक है, एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं, बोल्ट हमने बोला एक धातु की बेलनाकार रॉड होती है जिसका एक सिरा हेड होता है और दूसरा सिरा सेंक होता है जिसमें चूड़ियां बनी होती है, इनका प्रयोग दो पार्ट्स को एक साथ क्लैंप करने के लिए यानी जोड़ने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। अब इसी में हमने बताया नट हमारे क्या होते हैं, नट एक धातु का कोई भी टुकड़ा होता है, ये स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है या गोल भी हो सकता है। ठीक है, जिनके अंदर इसमें चूड़ियां बनी होती है, इस तरह की थ्रेडिंग चूड़ियां बनी होती है, इनका प्रयोग दो पार्ट्स को कसने के लिए बोल्ट या स्टड के माध्यम से
चुड़ीदार भागों को टाइट कर देते हैं, चुड़ीदार भागों से हम कस के उसको टाइट कर देते हैं। ये हमारी नट होती है, एग्जांपल को सपोज है कोई भी नट होती है इस तरह से नट होती है जिसमें हमारी थ्रेडिंग बनी होती है, ये हमारी नट होती है। ठीक है, अब स्टड क्या होता है, अब हम आगे चर्चा करते हैं। स्टड स्टड हम इरेज करते हैं, स्टड स्टड क्या होती है, अस्टर में क्या होता है, इसमें एक बेलनाकार सेंट होता है, मतलब बेलनाकार एक रॉड हुई संत हुई, इसमें क्या होती है कि हमारी जो दोनों सिरे होती हैं, दोनों सिरों पे चूड़ियां बनी होती है, दोनों सिरों पे चूड़ियां बनी होती है, एक बेलनाकार रॉड होती है, सैंक होती है, जिसके दोनों सिरे पर चुड़ियां बनी होती है, और हमारा जो बीच का पोर्शन होता है वो खाली होता है, मतलब हमारे जो बीच का हिस्सा होता है वो प्लेन होती है। इनका प्रयोग असेंबली की हम उस जगह पे करते हैं जिनको हमें बार बार निकालना पड़ता है, बार बार निकालना पड़ता है, बार बार निकालना मतलब हम बार बार खोल रहे हैं या जोड़ रहे हैं, उस कंडीशन में इसका प्रयोग करते हैं। ये हमारा माइल्ड स्टील का बना होता है, माइल्ड स्टील का बना होता है, बेलनाकार सेंट होता है जिनके दोनों सिरे पर चुड़िया बनी होती है, एवं एग्जांपल को हमारे जो सिलेंडर ब्लॉक होती है और सिलेंडर हेड होता है, उस कंडीशन में हम स्टड का भी प्रयोग करते हैं। सिलेंडर ब्लॉक और हेड को कस, हेड का जो हम कसते हैं उस जो पार्ट होता है वो हमारा स्टड का ही होता है। ठीक है, अब हम आगे चर्चा करते हैं, आगे हमारा क्या होता है वाशर। वाशर तुम लोग जानते भी होगे कि वाशर क्या होता है, तुम लोग जानते भी होंगे वाशर क्या होता है कि नट बोल्ट को सही से कसने के लिए हम वाशर का प्रयोग करते हैं। हमारे कोई भी जैसे नट या बोल्ट होती है उसको सही से अच्छी तरह से कसने के लिए हम वाशर का प्रयोग करते हैं, यानी हमारे जो नट बोल्ट होती है साइज से फिर कसना होता है, तब नट के नीचे हम प्लेन वाशर का प्रयोग करते हैं। यानी कोई दो पार्ट्स है, हमारी जो बोल्ट होती है ये सपोज दैट हमारी बोल्ट है, तो इस कंडीशन में एरिया चेक में इस कंडीशन में हम वाशर का प्रयोग करते हैं, जिससे हमारी जो बोल्ट होती है, हमारी जो नट बोल्ट होती है वो सही से कस जाती है। यानी पुर्जों को नट द्वारा कसने के लिए या नट के दबाव क्षेत्र को बढ़ाने के लिए एक बेलनाकार पत्ती, कोई भी बेलनाकार आयताकार इस तरह से कोई एक पत्ती होती है जिसको हम वाशर कहते हैं, बेलनाकार पत्ती होती है जो हम नट के, हमारी जो बोल्ट होती है नट के नीचे या बोल्ट के हेड के नीचे कसने में इसका हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग नट को सही से टाइट करने के लिए, सही से कसने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। एग्जांपल पर वाशर से क्या फायदा होता है, वाशर से ये फायदा होता है कि हमारे जो कसने की स्थिति, जब हम नट को कसते हैं तो जो कंपन की स्थिति में क्या होती है कि वो ढीला होने से, मतलब लूज होने से बच जाता है। जब हमारा मशीन चलता है, जब मशीन हमारा रोटेट होता है, वाइब्रेट होता है, तब वो ढीला होने से बच जाता है, मतलब लूज होने से बचता है। इसके अलावा हमारे जो वर्क पीस होती है, मतलब कांच का होता है, क्षतिग्रस्त मतलब डैमेज होने से भी बचता है, और घर्षण जो उसकी घर्षण होती है, फ्रिक्शन एरिया होती है, तो उसकी जो पकड़ होती है वो मजबूत हो जाती है। यानी तीन चीज इसमें ध्यान रखो, वाशर का हम प्रयोग क्यों कर रहे हैं, वाशर एक ऐसी चीज है जिससे हमारी नट और बोल्ट होते हैं सही से टाइट हो जाती है, सही से कस जाती है। ठीक है, इससे क्या होता है कि कोई भी पार्ट जब वाइब्रेट होता है तो लूज होने से बच जाता है।
ठीक है। अब इसका मेटेरियल क्या होता है? मेटेरियल हमारी ये भी माइलस्टीन का ही बनाए जाते हैं। वाशर भी बहुत प्रकार के होते हैं, गोल्ड फ्लेम वाशर होता है, गियर दांते लगे होते हैं, जो आगे हम चैप्टर पे पढ़ेंगे। ठीक है, अब आज की क्लासेस में हमने तीन चीज का इंट्रोड्यूस किया। फास्टनर क्या होता है? फास्टनर हमने बताया कि फास्टनर मशीनों के भी पार्ट को एक दूसरे के साथ जोड़ना, हम उसको फास्टनर कहते हैं। फास्टनर हमारे तीन तरह से, टेम्प्रोरी है, सेमी टेम्प्रोरी है और परमानेंट है। सेमी टेम्प्रोरी हमारा जब चाहे तब हम अलग कर सकते हैं, इसमें कोई पार्ट को नुकसान नहीं होता है। लेकिन सेमी टेम्प्रोरी में क्या होता है कि हम जब चाहे पार्ट को अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जब पार्ट्स को तो हम अलग कर सकते हैं, जब चाहे तब हम अलग कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि हमारे जो फास्टनर होते हैं यानी रिवेट होते हैं या सोल्जर होते हैं, वो टूट जाते हैं, वो खराब हो जाते हैं। और परमानेंट फास्टनर में हम दो धातुओं को जोड़ देते हैं, लेकिन जब हम अलग करना चाहें तब हमारे छोटे पार्ट्स भी खराब होते हैं और हमारे जो वेल्ड है और वेल्डिंग करते हैं वो भी खराब होता है। अब इसके बाद टेम्पोरी फास्टनर में हमने तीन चीज, नट्स हमने बताया कि नट हमारा क्या होता है, एक बेलनाकार नट हमारा क्या होता है, एक धातु का टुकड़ा होता है जिसके अंदर इंटरनल चुड़ियां बनी होती है, जो हमारे वर्ल्ड पे उसको फिट किया जाता है। नट हमने बताया कि नट हमारी क्या होती है, नट हमारी एक बेलनाकार रॉड होती है, एक बेलनाकार रोड होती है जिसका एक सिरा हेड का लाता है और दूसरा सिरा हमारा सैंक लाता है, जिसमें इंटरनल एक्सटर्नल चुड़ियां बनी होती है। ठीक है, अब इसका हम प्रयोग कहाँ करें, हमने बताया कि इसका प्रयोग दो पार्ट्स को हम कसने के लिए, जोड़ने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद हमने बताया बोल्ट में बताया कि एक बेलनाकार रॉड होती है, सॉरी धातु का टुकड़ा होता है जिसको नट के ऊपर, बोल्ट के ऊपर कसने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। जब हम दो पार्ट्स को कसेंगे तो बोल्ट से कस देते हैं जिससे अच्छी तरह से टाइट हो जाता है। उसके बाद हमने बताया वाशर का हम प्रयोग कहाँ कर रहे हैं, बोल्ट नट और बोल्ट को सही से कसने के लिए हम वाशर का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना है और नेक्स्ट क्लासेस में हम इसके बारे में आगे बढ़े, इस चैप्टर के बारे में आगे, जैसे लॉकिंग नट, कीवेज, टैक्स ऑफ वाशर, टैक्स ऑफ नट, टैक्स ऑफ वाशर, टैक्स ऑफ नट और टैक्स ऑफ बोल्ट के बारे में हम इसी तरीके से डिटेल्स के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है।